गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 5। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था काउंटिंग नंबर्स के बारे में। आपके काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं? आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ओके, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम नोटेशन सीखेंगे, न्यूमरेशन सीखेंगे, न्यूमरेशन के कौन कौन से मेथड है वो जानेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, रोमन सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आपने रोमन्स नंबर के बारे में आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, इस चैप्टर में हम कुछ और नया सीखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। नोटेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को फिगर या डिजिट में लिखना नोटेशन होता है। जैसे मैं लिख दूँ 10, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया नोटेशन। ये जो मैंने डिजिट में लिखा है ये क्या हो जाएगा? नोटेशन हो जाएगा। इसको मैं फिगर्स भी कह सकती हूँ। ओके, अब हम न्यूमरेशन की बात करते हैं। न्यूमरेशन क्या है? किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखना न्यूमरेशन होता है। जैसे मैंने लिख दिया ये क्या है? 9, इसको मैं वर्ड्स में लिखूँगी इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका न्यूमरेशन होगा। न्यूमरेशन के 2 मेथड है, एक तो इंडियन सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। इससे पहले हम थोड़ा डिजिट के बारे में समझ लेते हैं। हिंदू अरबिक सिस्टम कैसे होता है, नंबर्स को कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं। तो फिर हमारे 10 डिजिट क्या होते हैं, जिससे हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके 10 सिंबल्स हैं, इसे 10 डिजिट भी कहते हैं। ये आपके वो 10 डिजिट हैं जिससे हम किसी भी नंबर को बना सकते हैं। हमारे पास इतने ही 10 डिजिट हैं जिनसे हम किसी भी नंबर को बना सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम के बारे में। आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये बॉक्स ये है आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? पहले वंस, फिर थाउजेंड, फिर लाख्स, फिर करोड़्स। वंस में आपके कौन कौन से आएंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में क्या क्या आ जाएंगे? थाउजेंड्स और टेन थाउजेंड्स। लाख्स में क्या क्या आएंगे? लाख्स और टेन लाख्स। करोड़्स में क्या क्या आएंगे? करोड़्स एंड टेन करोड़्स। तो ये सब आपके प्लेस हो गए, ठीक है। और ये ऊपर जो है ये क्या हो गया आपका? ये आपका पीरियड हो गया। ओके, अब हम किस तरह से लिखते हैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 7562 4908। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे आपको इंडियन सिस्टम में लिखना होगा। तो आप कैसे काउंट करोगे? पहले करोगे वंस, फिर थाउजेंड्स, फिर लाख्स, फिर करोड़्स। और वंस में आपके कितने डिजिट होने चाहिए? वंस में आपके 3 डिजिट होंगे। तो हम इस तरह से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसे सेपरेट कर लेंगे। क्वेश्चन है आपका 7, 5, 6,
टू फोर नाइन ज़ीरो एट। तो वंस में आपके कितने डिजिट आएंगे? ये तीन डिजिट आएंगे, ये आपके वंस में आएंगे। फिर थाउजेंड्स में कौन कौन डिजिट आ जाएगा आपका? टू और फोर, ये आपके थाउजेंड्स में आएंगे। फिर लाख्स में कौन कौन आएंगे? ये दो डिजिट आएंगे, ये आपके लाख्स में आ गए। और ये लास्ट वाला सेवन, ये किस में आएगा? करोड़ में आएगा। अब इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे सेवन करोड़ फिफ्टी सिक्स लाख, एक सेकेंड, फिफ्टी सिक्स लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड। यहाँ पे स्पेस कम है, आप इसे लिख लीजिए नाइन हंड्रेड एट, नाइन हंड्रेड एट हो गया। इस तरह से हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे। तो ये आपके कौन से सिस्टम हो गए? इंडियन सिस्टम। अब अगर हमें इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना होगा तो आप किस तरह से लिखोगे? आपने इसे पढ़ रखा है तो फिर इसे भी एक बार सीख लेते हैं। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है सेवन फाइव सिक्स टू फोर नाइन ज़ीरो एट, इसे आप जानते हो लिखना, आपने इसे पढ़ रखा है। इसे कैसे लिखेंगे? पहले फर्स्ट प्लेस पे क्या है यहाँ पे? सेवन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ये कौन से प्लेस पे आता है? तो ये करोड़ के प्लेस पे आता है, तो हम इस पर वन करोड़ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट सेवन के बाद क्या है? फाइव है, फाइव मल्टीप्लाई फाइव कौन से प्लेस पे आता है? तो फाइव टेन लाख के प्लेस पे आएगा, तो हम यहाँ पे टेन लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये आप जानते हो, आप इसे यहाँ पे समझ लोगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम पीरियड्स को सेपरेट किस तरह से करेंगे वो भी जान लेते हैं, इसे भी आप जानते हो लेकिन इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये आपका एक और एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट, ये नंबर है, इसको आपको सेपरेटिंग पीरियड्स में करना है। तो आप कैसे लिखोगे? पहले आप वंस लिखोगे, फिर थाउजेंड्स, फिर लाख्स, फिर करोड़। वंस में आपके कितने प्लेस होंगे? वंस में आपके थ्री प्लेस होंगे, वंस टेंस हंड्रेड्स। फिर थाउजेंड में कितने प्लेस होते हैं? थाउजेंड में भी दो प्लेस होते हैं, क्या होते हैं? एक थाउजेंड्स और दूसरा टेन थाउजेंड्स। लाख्स में कितने प्लेस होते हैं? दो प्लेस होते हैं, लाख्स और टेन लाख्स। करोड़्स में कितने प्लेस होंगे? करोड़्स में दो प्लेस होंगे, एक करोड़ और दूसरा टेन करोड़्स। ओके, तो इस तरह से हम इसे सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट साइड से इसे बनाते हैं। राइट साइड से हम थ्री डिजिट को लेंगे जिसे हम वंस में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? एट ज़ीरो नाइन। इसे हमने कहाँ रखा? वंस के पीरियड में, वंस के पीरियड में हम इसे रखेंगे। फिर हम दो डिजिट लेंगे जिसे हम थाउजेंड वाले पीरियड में रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? फोर टू, टू और फोर। ओके, फिर हम लाख्स में जाएंगे, तो इसमें भी हम दो डिजिट को लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? फाइव और सिक्स, फाइव और सिक्स। फिर हम करोड़ में जाएंगे, तो हमें इसमें भी दो डिजिट लेने हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट है इसलिए हम इसे
एक ही डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया 7, जो करोड़ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे सेपरेट कर लिया है। अब हम इसमें कॉमा का यूज़ करेंगे और इसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 7, फिर कॉमा यूज़ करेंगे, फिर 56, फिर उसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे, फिर 24, उसके बाद फिर से एक कॉमा यूज़ करेंगे, फिर 908 हो जाएगा। इस तरह से हम इसे सेपरेट करेंगे। ओके, आप इसे सीख गए हो, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है किसी डिजिट की। तो फेस वैल्यू किसी डिजिट की वही होती है जो वो डिजिट होता है। जैसे अगर मैंने इस तरह से कोई नंबर लिखा है और इसमें अगर मैं कहूँ कि 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। 3 की पूछूं तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 ही होगी। 1 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी। तो ये होती है किसी भी नंबर की फेस वैल्यू। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू, वो नंबर जो होता है, जो भी डिजिट से बना होता है, वो डिजिट ही होता है उसका फेस वैल्यू। अब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। तो प्लेस वैल्यू किस तरह से बनाते हैं, आइए इसे भी सीखते हैं। जैसे ये कोई नंबर है, अब हमें इसमें इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू कैसे बनाते हैं, प्लेस वैल्यू हम राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। राइट साइड में हमारे क्या है, यहाँ पे 1 है, पहले ऐसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 1। 1 की प्लेस वैल्यू बतानी है इज इक्वल टू 1 पहले लिखेंगे। 1 हमारा कौन से प्लेस पे है, तो 1 हमारा वंस प्लेस पे है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 हो गया। फिर हम सेकंड पे आते हैं, सेकंड में क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई, 2 कौन से प्लेस पे आता है, तो 2 टेंस प्लेस पे आता है, तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 20। इस तरह से हम 3 की भी निकालेंगे, 3 की बना रहे हैं, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई, 3 कौन से प्लेस पे है, तो 3 आपका हंड्रेड्स प्लेस पे है, वंस टेंस हंड्रेड्स। तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 300। अब हम 6 की बात करते हैं, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 कौन से प्लेस पे है आपका, 6 थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6000। तो ये होती है किसी नंबर की प्लेस वैल्यू। तो आपने सीखा फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, मतलब 5 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं, कितने नंबर हम बना सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम इसे कैसे बनाते हैं, आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा,
आपके स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होते हैं? ज़ीरो। और लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होते हैं? नाइन। ठीक है, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर होते हैं ज़ीरो और लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होते हैं? नाइन। तो इस क्वेश्चन में तो आपके लार्जेस्ट फाइव डिजिट के नंबर क्या हो जाएंगे? नाइन को हम फाइव टाइम्स लिखेंगे और स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर क्या हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइव डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, तो इसके लिए हमें लार्जेस्ट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक करना होगा और फिर उसके बाद उसमें प्लस वन करेंगे। इस तरह से हमें फाइव डिजिट के सभी नंबर्स मिल जाएंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एग्जांपल का थ्री। इसी तरह से आपके एग्जांपल के फोर भी हैं, इसमें एट डिजिट के कितने नंबर होंगे, सेम इसी तरह से ये आपको समझ लेना है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ेंगे। अभी तक हमने इंडियन सिस्टम पढ़ा था, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें हम किस तरह से काउंट करते हैं, इसमें कौन कौन से पीरियड्स होते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो क्या होते हैं आपके पीरियड्स में? वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ये होते हैं आपके पीरियड। और इसमें कैसे हम प्लेस को करते हैं? वंस में आपके थ्री प्लेस होंगे, थाउजेंड्स में आपके थ्री प्लेस होंगे, मिलियंस में भी थ्री प्लेस होंगे और बिलियन में टू प्लेस। ओके, तो वंस में क्या क्या हो जाएगा? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड में क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, हंड्रेड थाउजेंड्स। फिर मिलियन में क्या हो जाएगा? मिलियंस, टेन मिलियंस, हंड्रेड मिलियंस। उसके बाद बिलियंस में क्या हो जाएगा? बिलियंस, टेन बिलियंस। ठीक है, अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसे हम किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम किसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे, किस तरह से उसे वर्ड्स में लिखेंगे, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल सेवन दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विथ प्रॉपर कॉमास यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसमें हमने अभी पढ़ा था कैसे कैसे इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो आइए इसे समझते हैं। फर्स्ट में आपका है 53684, 53684। तो हम इसे पहले राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। तो वंस में कितने डिजिट होने चाहिए? वंस में थ्री डिजिट होंगे, तो क्या हो जाएगा वंस में आपका? वंस में हो जाएगा फोर, टेंस में क्या हो जाएगा? एट, और हंड्रेड्स में क्या हो जाएगा? सिक्स। हो गया, उसके बाद हम थाउजेंड्स में आएंगे, तो थाउजेंड्स में कितने डिजिट होने चाहिए? थ्री डिजिट होने चाहिए। तो थाउजेंड में यहाँ पे पहला क्या है? थ्री। थ्री कहाँ हो जाएगा? थाउजेंड्स में आ जाएगा। फाइव कहाँ आ जाएगा? तो फाइव आपका टेन थाउजेंड्स में आ जाएगा। अब उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हमारा ये हो गया। ओके, अब हम इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे?